हरे धनिए का यूज़ हम सभी सिर्फ सब्जियों में डालने के लिए या चटनी बनाने के लिए करते हैं। आज इस धनिए का यूज़ करके मैं बहुत ही टेस्टी धनिए का पिकल बनाने वाली हूँ, जिसे आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ मिलकर बनाना सीखते हैं आज की बहुत ही आसान सी रेसिपी। धनिए का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जितना धनिया लिया था, इसे मैंने 2 से 3 बार साफ पानी से धोकर इसे एक कपड़े के ऊपर डाल दिया, जिससे इसमें मॉइस्चर ना रहे। धनिए में हमें ज़्यादा मोटी डंडियों का यूज़ नहीं करना है, बाकी छोटी छोटी डंडियों का यूज़ करेंगे। सिर्फ पत्तों के साथ हम इस अचार को नहीं बनाएंगे। अभी हमने जो धनिया साफ करके रखा हुआ है, इस धनिए को हम इस तरीके से कट करेंगे। मैं आज इसे कैंची की हेल्प से कट कर रही हूँ, आप नॉर्मल चॉपिंग बोर्ड पर रखकर चाकू की हेल्प से भी कट कर सकती हैं। इस रेसिपी के लिए हमें धनिया थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो यहाँ मैंने पूरे 200 ग्राम धनिए को कट करके तैयार कर लिया है। अभी कट करने के बाद ये लगभग 2 से 3 कप जितना धनिया तैयार है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर 3 चम्मच जितनी राई, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितने मेथी दाना और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना जीरा। सभी चीज़ों को एकदम धीमी धीमी आंच पर एकदम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे तेज आंच पर नहीं भूनना है, हमें सिर्फ मसाले का मॉइस्चर दूर करना है। तो बस मसाला हल्का सा भुन गया है, अभी इस पूरे मसाले को एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका हल्का दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो इसे हल्का सा क्रश करके भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इस धनिया को बहुत ज़्यादा फाइन एकदम पाउडर नहीं बनाया है, इस तरीके का हल्का दरदरा रखेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी हम इस पूरे मसाले को एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बस अचार के लिए मसाला तैयार है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसमें मैंने यहाँ पर लगभग 50 ग्राम जितनी इमली को गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। अभी हम इस इमली को हाथों से हल्का सा मैश कर लेंगे, जिससे जितना भी इसका पल्प है वो अलग निकल जाए। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। मैं इस तरीके से हाथों से इसका पल्प निकाल लूँगी और अब हम इसे एक बार अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, हमें एकदम स्मूथ पल्प मिलेगा और इसके अंदर जो भी छोटे मोटे रेशे होंगे वो भी नहीं रहेंगे। नॉर्मली हम सभी धनिए का यूज़ सब्जियों के अंदर करते हैं, बट इस तरीके से ये जो अचार या फिर चटनी बनती है ये बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे एक बार बनाकर फ्रिज में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे बहुत ही चटपटे चावल या फिर अपनी एक सब्जी का टेस्ट बढ़ाने में भी यूज़ कर सकती हैं। तो बस मैंने इसे इमली को हल्का सा पकाकर इसे रूम टेम्परेचर पर हल्का सा ठंडा कर लिया है। इमली को हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे वो कटा हुआ हरा धनिया जो हमने पहले कट किया था। पूरे हरे धनिया को इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे लगभग 3 चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखी कम होती हैं बट कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर और डालेंगे लगभग 1 चम्मच जितना नमक। सभी मसालों को डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मसाले बाद में कम या ज़्यादा लगें तो आप लास्ट में इसे टेस्ट करके और भी डाल सकती हैं। पूरे धनिए को इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा यह धनिया का मिक्सचर तैयार है। अब हम इसके लिए एक सिंपल सा तड़का बनाते हैं। तड़का बनाने के लिए वापस से गैस पर एक तड़का पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे लगभग 1/2 कप जितना ऑयल। इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि अचार बना रहे हैं तो इसे हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर पाएँ। इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितनी चना दाल, 1 चम्मच जितनी उड़द दाल। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को एकदम धीमा ही रखेंगे, अदरवाइज मसाले जल जाएंगे। 1 चम्मच जितनी राई और 1 पिंच हींग डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा और हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 20 से 25 ये लहसुन की कली, जिसे मैंने छील कर बीच से कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कट करेंगे, इस तरीके से हल्का मोटे मोटे होता है ना, तो खाने में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 10 से 15 साबुत लाल मिर्च और डालेंगे थोड़े से मीठे नीम के पत्ते। मेरे पास थोड़े कम थे तो क्वांटिटी थोड़ी कम यूज़ की है मैंने, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप 10 से 15 मीठे नीम के पत्ते इसके अंदर डाल दीजिए। अभी हल्का सा धीमी धीमी आंच पर इसे भूनेंगे। अभी हमने जो धनिए का मिक्सर तैयार किया था उस पूरे मिक्सर को इसमें डाल देंगे। अभी इस धनिए और इमली के मिक्सर को एकदम धीमी धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे।
याद रखें इसे तेज आंच पर ना भूनें, एकदम धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और हमारा ये जो पिकल या चटनी है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होगी। अभी आपको इसमें तेल का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट क्योंकि हमने ये अचार बनाया है तो थोड़े ज़्यादा तेल के साथ बनाते हैं तभी ये लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब हमने जो पहले मसाला तैयार किया था उसमें से लगभग 2 से 3 चम्मच जितना मसाला इसके अंदर डाल देंगे और सबसे लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना नमक, क्योंकि नमक मुझे इसमें थोड़ा कम लग रहा था। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना गुड़, तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इससे इसका खट्टा मीठा टेस्ट थोड़ा बैलेंस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। गुड़ नहीं है तो आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए और पका लेंगे और ये हमारा बहुत ही टेस्टी धनिया का अचार बनकर तैयार है। आई होप आपने ये रेसिपी आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, तो प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, यकीन माने आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी इस अचार को हल्का सा ठंडा होने देंगे, जब ये अचार अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसे किसी भी कांच के कंटेनर में स्टोर कर दीजिए और आप इसे फ्रिज में रखें, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आपको सब्जी के साथ टेस्ट ना आए तब आप इस चटनी के साथ खाना या चावल इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसमें सिंपल इस तरीके से चावल को मिक्स करके साथ खा सकते हैं या फिर आप रोटी पर लगा कर खाएं, तब भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।